हेलो एवरीवन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज आई एम राकेश कुमार नायक एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रोपगेशन इफेक्ट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो प्रोपगेशन इफेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग जो है ना इस टॉपिक से डरते बहुत इजी टॉपिक है आप लोगों को जो है ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यू मस्ट हैस्टैंड द एटमोस्फेयर अगर आपको एक बार एटमॉस्फेयर कैसा होता है अर्थ का अगर वो पता चल गया तो जो है नपगेशन इफेक्ट जो है ना इजिली यू आर एबल टू तो डू इट

ये जो है ना फाइव से सिक्स लेयर्स में डिवाइड है जनरली जो है ना ये फाइव लेयर्स को जो है ना जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कंसीडर करते हैं ये सिक्स लेयर को जो है ना कई जगह पे जो है ना एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो जो है आप अगर इसको भी देखोगे तो ये भी आपका जो है ना लेयर है तो आप अगर ये पांच लेयर को देखोगे तो ये जो सारे के सारे पांच लेयर है ये क्या टेम्परेचर के बेस पे जो है ना इसको लेयरिंग किया गया है यू मस्ट हैव टू सी हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट इट्स डिपेंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर वेरिएशंस देखूंगा तो देखो आप यहाँ पे देखो ये आपका अर्थ सरफेस

अर्थ अर्थ का सरफेस क्या कर रहा है सन के सारे रेडिएशन को ले ले रहा है रेडिएशन को लेने के बाद धीरे धीरे उसको जो है ना वो क्या कर रहा है एमिट कर रहा है तो यहाँ पे जो है ना ये जो मेरा अर्थ का सर्फेस है ये मेरा क्या हो जाएगा एक हॉटर बॉडी हो जाएगा ये एक हॉट बॉडी की तरह हो गया यहाँ पे मैंने तो जो है ना सन के रेडिएशन को ये जो है ना एमिट करना शुरू कर दिया जिस तरीके से चंद्रमा हम लोगों को जो है ना लाइट एमिटिंग टाइप का दिखाई देता है वैसे ही अगर दूसरे प्लेनेट से देखोगे तो इंडिया भी लाइट एमिटिंग टाइप का दिखेगा क्यों क्योंकि वो सन का जो एनर्जी है उसको जो है ना रिसीव करने के बाद उसको जो है ना क्या कर रहा है रेडिएट करना

बाउट यू नो दाइट कम्युनिकेशन में फर्स्ट फर्स्ट लेर जो क्या हो गया मेरा आपका ट्रोपोस्फेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट है सारे क्लाउड हो गए आपके जो रेनफॉल हो गया बहुत सारे एयर सोल्स हो गए बहुत भी जो है ना जो एटमोस्फेरिक डस्ट है ये सारे के सारे यही पे जो है ना आपको ज्यादातर मिलेंगे तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो है ना इफेक्ट कौन सा डालता है ट्रोपोस्फेयर डालता है ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है इंक्रीज क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप एक लिये देखोगे 50 किलोमीटर के आसपास में एक लेयर है कौन सा लेयर है ओजोन लेयर यहाँ पे ओ थ्री ओजोन लेयर है ओजोन लेयर का काम क्या है सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसके जो है ना जो हार्मफुल रेज है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है यहां पे जो है ना क्रॉस करने नहीं दे रहा तो ये जो है सन का रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ले रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पे जो है ना इसका हीट जनरेट हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा कोई भी एटम जो है uh, कोई भी पार्टिकल ये ओजोन लेयर जो ओजोन है ओजोन क्या कर रहा है जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है उस at उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है उसको अंदर आने नहीं दे रहा उसकी वजह से क्या हो गया इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा यहां पे एक और आपको लेयर मिल जाएगा इस ट्रोपोस्फेयर से नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्टेटोस्फेयर बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मोसोस्फेयर बोलते हैं मोसोस्फेयर

ये जो है ना बहुत जो है ना आपका देखो माइनस में है माइनस हंड्रेड डिग्री के आसपास जो है ना आप पहुंच जा रहे हो नाइन्टी डिग्री हंड्रेड डिग्री के आसपास में जो है ना आप पहुंच जा रहे हो तो यहां से आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर लेयर है इस लेयर को हम लोग थर्मोस्फेर बोलते हैं थर्मोस्फेर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है और डिक्रीज नहीं होता है इसके बाद हमारा एक्सपो आता है यहाँ से क्या होता है कि जो है ना हमारे जो एटम्स है हमारे जो गैस पार्टिकल है डस्ट पार्टिकल है एयर सोल्स है ये सारे के सारे जो है ना दे आर फ्री टू लिव द अर्थ सर्फेस अर्थ के सरफ़ेस को वो लीव कर सकते हैं तो ये जो है ना पांच लेयर टेम्परेचर के हिसाब से डिवाइडेड है इस टेम्परेचर के हिसाब से डिवीजन होने के बाद यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे 70 75 किलोमीटर से एव पे एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है किसके कम्युनिकेशन uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर विच इज नोन एज द आइनोस्फेयर ओके आइनोस्फेयर ओके सो वी हैव दिस लेयर ठीक है तो ये आइनोस्फेयर आइनोस्फेयर की वजह से क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फेयर यहाँ पे क्या है आपका जो आइनोसफेयर है ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है यहाँ पे आप देखोगे तो आइनोसफेयर है ये आइनोसफेयर की वजह से भी क्या होगा कि दैट इट्स गोइंग टू इफेक्ट द योर सिग्नल ये आइनोस्फेयरिक जो लेयर है दैट विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन सिग्नल अगर हम लोग सैटेलाइट के बारे में बात करें तो सैटेलाइट में भी जो है ना क्या करेगा इट विल अफेक्ट योर सिग्नल तो द टू टू वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स आर देयर द फर्स्ट इज योर आइनोस्फेयर फर्स्ट इज यूर आइनोसफेयर एंड सेकेंड इज योअर ट्रोपोस्फेयर आपका ऑलमोस्ट यू विल अंडरस्टैंड यू नो दोपेशन इफेक्ट तो हम लोग जो है ना लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट यू नो दिस लेना हम लोगों ने देखा टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन होता है अगेन ये इसी का एक और ग्राफ है तो यहाँ पे आप देखोगे जो गैस की डेंसिटी है, है, है? है ये एन क्या है आपका आप लोगों ने बहुत पहले टेंथ ट्वेल्थ क्लास में ये पढ़ा होगा नेचुरल डेंसिटी इज नथिंग बट टी डिवाइडेड बाई पी इंटू एन ए डिवाइडेड बाई आर एल पे एन ए क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर है और आर एल क्या है आपका जो है ना गैस कॉन्स्टेंट है तो गैस कॉन्स्टेंट एवोगाइड्रो नंबर ये दोनों जो है ना कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर पे क्या होगा आपका पूरा नेचुरल डेंसिटी जो है ना डिपेंड करेगा अगर नेचुरल डेंसिटी डिपेंड कर रहा है तो जो है ना आपका जो एटमॉस्फेयर है दैट एटमोस्फेयर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर तो जो भी लेयर होगा वो लेयर क्या करेगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर पे जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा ये अगर आप वेरिएशंस देखो ये आपका जो है ना एटीट्यूड है किलोमीटर में वहां पे जो हमारा वर्टिकल था इसको हॉरिजॉन्टली अगर देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर जो है ना आपका यहाँ पे वेरी हो रहा है और ये आपका जो है ना प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है यू कैन सी दिस जैसे जैसे हम लोग जो है ना एटीट्यूड को इंक्रीज करते जा रहे हैं आपका प्रेशर कम होते जा रहा है प्रेशर की वैल्यू कम होते जा रही है टेम्परेचर के हिसाब से जो है ना वेरिएशन हो रहा है और बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वी हैव डिड डिवाइडेड दिस इनटू अ फाइव और सिक्स लेयर तो ये जो फाइव लेयर है फाइव लेयर हम लोग अगर देखेंगे तो व्हाट आर दिस फाइव लेयर द फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर द लोवेस्ट लेयर फिर उसके बाद स्टेटोस्फेयर है मोसोस्फेयर है थर्मोस्फेयर है एक्सपोस्फेयर है एक्सपोस्फेयर को जो है ना बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते सो फॉर वट अबाउट दिस इसके बाद हमारा क्या हो जाता है एक आइनोस्फेयर आ जाता है तो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस दिस फोर लेयर फोर और फाइव तो यहाँ पे जो है ना ये जो पांच लेयर के बारे में बात कर रहे हैं सो लेट मी गो टू द दईनोस्फेर फर्स्ट आइनोस्फेर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आइनोस्फेयर और जो है ना ट्रोपोस्फेयर ये दोनों जो है ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो अगर आप जो है ना आइनोस्फेयर के बारे में बात करोगे तो आइनोस्फेयर में क्या होता है लेटमी गो टू दिस पर्टिकुलर यू नो ओके सो लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड यहां पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा जो भी सैटेलाइट है सैटेलाइट से जब मैं कम्युनिकेट कराता हूँ तो मैं मैं किससे जो है ना पास करा रहा हूँ आई एम पासिंग थ्रू दिस ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेर से पास करा रहा हूँ स्टेटोसफेयर से पास करा रहा हूं मोसोस्फेयर से पास करा रहा हूं आइनोसफेयर से पास करा रहा हूँ सो दिस पर्टिकुलर लेयर दिस पर्टिकुलर लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर लेयर एंड दिस पर्टिकुलर लेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहां से जो भी मेरा ट्रांसमिशन होगा यहां पे सबसे ज्यादा जो है ना इफेक्ट आएगा इफेक्ट क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ द की वजह से क्लाउड की वजह से यहाँ पे जो है ना बहुत सारे हाइड्रोमीटर्स हैं हाइड्रोमीटर्स में क्या क्या आ गया आपका वाटर वेपर्स आ गया आइस आ गया आपका जो है ना रेन ड्रॉप आ गया तो दिस ऑल विल कम फॉग आ गया तो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे हैं उसकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ये क्या करेगा आपके जो है ना कम्युनिकेशन सिग्नल को इफेक्ट करेगा यहाँ पे आइनोस्फेयर में क्या होता है आइनोस्फेयर की अगर बात करें तो आइनोस्फेयर जो है ना आपका कैसे फॉर्म होता है आइनोसफेयर में क्या है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी गैसेस है

या आयनोस्फेयर कैसे फॉर्म होता है जो भी सन का रेडिएशनस आता है सन के जो रेडिएशन्स की वजह से जो भी कॉस्मिक रेज है उनसे क्या करता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करके यहाँ पे जो है जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे

तो दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है पहला चीज क्या है कि जो है ना जब डे का टाइम होगा ठीक है डे के टाइम पे जो है ना ये सोलर का रेडिएशन आपको मैक्सिमम मिलेगा एनोस्फेयर बहुत अच्छे से क्रिएट होगा तो मोस्ट ऑफ द एनोस्फेरिक इफेक्ट विल यू नो विल बी देयर इन द डे टाइम डे टाइम पे जो है ना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा नाइट के टाइम पे जो है ना इसका इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि जो है ना ये निकम्बाइन होना शुरू कर देंगे और ये पार्टिकल रिकम्बाइन होकर क्या करेंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आइनोस्फेयर का वैल्यू जो है ना डिक्रीज हो जाएगा दैट्स वाई अगर नाइट के टाइम पे भी आप देखोगे तो आइनोस्फेयर का जो डिफरेंट लेवल है हम लोग जो है ना सी लेयर डी लेयर ई लेयर एफ लेयर के बारे में बात करते हैं तो आइनोस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है वो लेयर्स जो है ना रात के टाइम पे चेंज हो जाते हैं सी लेयर डी लेयर जो है ना वो जो है क्या हो जाता है आपका विलुप्त हो जाता है दे आर डिस इन द टाइम ऑफ द नाइट तो जो भी हमारा आइनोस्फेयर की वजह से जो भी इफेक्ट आएगा वो डे की टाइम पे जो है ना मोर डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू द नाइट नाइट में जो है ना इट कैन इट कैन रिमूव वो जो है ना वो इफेक्ट आपको भले ही ना हो लेकिन डे टाइम पे जो है ना इट विल इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ द इफेक्ट सो दिस फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर आइनोसफेयर के बारे में दूसरा चीज क्या है कि यहां पे जब आय लगे हुए हैं यहां पे क्या है आपका जो चार्ज पार्टिकल्स है इट्स अ प्लस एंड माइनस आयन प्लस एंड माइनस आयन इफ दिस आय आर देयर तो जो भी मैं यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रोपोगेट करा रहा हूं तो बिकॉज ऑफ दिस वट एग्जैक्टली हैपन यहां पे क्या होगा आपका जो है ना जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा आपका जो है ना फेस एडवांस होगा फेस एडवांस ठीक है फेस एडवांस की वजह से फेस एडवांस की वजह से जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज यहां पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फेस एडवांस की वजह से यहां पे फेस एडवांस जो है ना ऑकर होता है बिकॉज दे आर द आय लॉर्स ऑफ द आय प्रेस एडवांस होने की वजह से क्या होगा वेलासिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी जो सिग्नल की वेलासिटी है ट्रोपोस्फेयर में आप बात करोगे तो ट्रोपोसफेयर में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसकी वजह से क्या होगा एबजॉप्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फेस एडवांस यहाँ पे एबजॉर्प्शन ज्यादा होगा बहुत ज्यादा एबजॉर्ब कर लेगा सिग्नल को तो सिग्नल एब्जॉर्ब करने से क्या होगा यहाँ पे जो वेलॉसिटी है व टू रिमेंबर दिस थिंग की जो है ना अगर हम लोग प्रोपोस्फेयर के बारे में बात करें तो प्रोपोस्फेयर में जनरली जो है ना एब्जॉपन की वजह से वेलासिटी क्या होगा रिड्यूस होगा एबजॉपन मतलब एटिनूशन. एटिनूशन की वजह से जो है ना आपका वेलासिटी डिक्रीज होगा लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फेस एडवांस आपकी वेलासिटी क्या होगी इंक्रीज होगी यू हैव टू रिमेंबर दिस की यहाँ पे वेलासिटी इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे जो है आपका एम्पलीट्यूड और फेस दोनों में जो है ना इफेक्ट पड़ता है आपका जो है ना एम्पलीट्यूड और अगर मैं

Uh, या जो प्रोपगेशन इफेक्ट जो है ना बहुत सारा डालते हैं बिटवीन द सैटेलाइट एंड द एंड अर्थ स्टेशन अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट के बीच में जो है ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सो दे आर दे आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल अफेक्ट द प्रोपगेशन इफेक्ट ठीक है तो अगर हम लोग जो है ना स्ट्रक्चर को देखें तो फिर से जो है ना सेम फोटोग्राफ्स है इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड और फिर से जो है ना यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा सो नाउ लेट सी द प्रपगेशन इफेक्ट अगर प्रोपोगेशन इफेक्ट को हम लोग देखें यहाँ पे और उसका जो है ना इम्पैक्ट को देखें तो देर आर मेनी फिनोमिना कॉस्ट लीडिंग द सिग्नल थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर पहला क्या है आपका एटमोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन एटमोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेसिकली आपका जो है ना ट्रोपोस्फेयर में होगा ये बेसिकली किसमें होगा आपका जो है ना ट्रोपोसफेयर में ट्रोपोसफेयर में जो है ना ज्यादातर क्या होगा आपका ये जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे जो है ना एटमोस्फेयरिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा तो लेट मी राइट इट हियर अगर जो है ना हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका एटमोसफेरिक एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर््शन यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना आपका ट्रोपोस्फेयर में होगा क्लाउड एटेन्यूशन ये जो है ना आपका जो एयर सोल्स है आइस पार्टिकल्स हैं हाइड्रोलेट्स हैं इसकी वजह से जो है ना आपका क्लाउड एटोन्यूशन भी होगा ये भी क्या करेगा आपके जो है ना एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा ट्रोपोस्फेरिक स्केंटिलेशन होगा दिस ऑल यू नो द फराडे रोटेशन दिस ऑल आर ऑकरिंग इन द ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर पे जो है ना ये ऑकर होंगे उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्कैंटिलेशन इज देयर तो इजनोस्फेर में जो है ना स्कैंटिलेशन होगा स्कैंटिलेशन स्कैंटिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे स्कैंटिलेशन क्या होता है जब हॉट एंड कोल्ड एयर जो है ना मिलते हैं तो इट विल फॉर्म सम काइंड ऑफ न बबल टाइप का जो है ना ये फॉर्म करने लग जाते हैं दैट इज नोन एज द स्कैंटिलेशन तो आइनोस्फेरिक स्कैंटिलेशन होता है ट्रोपोस्फेरिक स्कैंटिलेशन होता है तो ट्रोपोस्फेयर और आइनोस्फेयर में जो है ना ये जो स्कैंटिलेशन इफेक्ट होगा उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे उसके बाद रेन ये भी आपका जो है ना ट्रोपोज

अगर रैन एटीन्यूशन के बारे में बात करें तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी अबव द टेन गीगा हट टेन गीगा हट से अव पे जो है ना आपका रेन एटीन्यूशन जो है ना बहुत ज्यादा औकर होता है टेन गीगाट से नीचे पे उतना ज्यादा जो है ना आपका रेन एटिन्यूट नहीं होगा लेकिन जो है रेन एटीन्यूशन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रिक्वेंसी अव द टेन गीगा हट बहुत सारे जो है ना रेन मॉडल्स दिए हुए हैं वी आर गोइंग टू टॉक वन और टू मॉडल्स एक दो मॉडल्स के बारे में जो है ना हम लोग सिंपली देखेंगे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे वी डू नॉट वी आर नॉट यू नो द इन्वायरमेंटल साइंस पीपल तो हम लोगों को जो है ना उतना ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है तो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि रेन कैसे इफेक्ट करता है ठीक है सो लेट्स गो टू दिस प्रोपगेशन इफेक्ट प्रोपगेशन इफेक्ट में लेट मी गो फर्स्ट दिस स्कैंटिलेशन सबसे पहले जो है ना हम लोग आइनोस्फेरिक स्कैंटिलेशन को देखते हैं देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग देख रहे हैं तो कहीं पे भी अगर आप सैटेलाइट रखे हुए हो ये जो सैटेलाइट है इस सैटेलाइट से आप जो वेव को प्रोपोगेट कराओगे तो यहाँ पे बीच में क्या है रेन है क्लाउड है दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर ये है ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है ना आइनोसफेयर आ जाएगा ये क्या है आपका जो है ना ट्रोपोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर की वजह से यहाँ इफेक्ट आ रहा है आइनोस्फेयर की वजह से यहाँ इफेक्ट आ रहा है ठीक है तो ये इफेक्ट हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में तो उसके पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है ना हम लोग आइनोस्फेरिक स्केंटिलेशन देखते हैं तो ये बड़ा बड़ा जो डेफिनेशन है आप लोग इसको पढ़ लेना मैं ये जो है ना शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ आपको मैं जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही चीज को बताता हूं जो होता है इट्स अ रैपिड मॉडिफिकेशन ऑफ द रेडियो वेव कॉज्ड बाई द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर इन द आइनोस्फेयर ठीक है तो ये क्या हो गया रैपिड मॉडिफिकेशन ऑफ द रेडियो वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्कैंटिलेशन बोलते हैं तो स्कैंटिलेशन क्या हो गया रैपिड

सो दैट इट विल बी मोर विजिबल पहला क्या हो गया आपका जो है ना एम्पलीट्यूड स्कैंटिलेशन हो गया एम्पलीट्यूड स्कैंटिलेशन हो गया दूसरा जो है ना फेस स्केंटिलेशन हो गया फेस स्केंटिलेशन हो गया तो हम लोगों ने पहले भी क्या बात की आइनोस्फेयर के बारे में बात की तो जो है ना आइनोसफेयर में क्या हो रहा था आइनोसफेयर में जो भी मेरा सिग्नल है उसके जो है ना एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा था और कॉस में चेंज आ रहा था तो हम लोगों ने बात किया था कि एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका जो है ना पावर इट विल इट इट विल विल इंक्रीज द पावर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया इट्स अ पावर तो पावर में ये चेंज आएगा और किस में आएगा फेस में चेंज लेके आएगा फेस में तो जो है ना यू मस्ट हैव टू कि जो स्कैंटिलेशन है स्कैंटिलेशन स्कैंटिलेशन क्या करेगा आपके फेस और पावर दोनों में जो है ना क्या करेगा वेरिएशन लाएगा फेस और पावर दोनों में जो है ना इफेक्ट डालेगा तो फेस स्कैंटिलेशन और जो है ना पावर स्कैंटिलेशन जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड स्कैंटिलेशन बोलते हैं तो दीस आर द टू पार्ट ऑफ द आइनोस्फेरिक स्कैंटिलेशन सो लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन सी हियर आइनोस्फेरिक स्केंटिलेशन कैसा दिखाई देता है यू कैन सी हियर दिस इज अकाइंड ऑफ ए आइनोस्फेरिक स्केंटिलेशन ये जो फिगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो दिस इज दिस इज नथिंग बट द आइनोफेयरिक स्केंटिलेशन आइनोस्फेयर में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द डिंट गैसेज क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना एक बबल टाइप का बन रहा है आपका जो है ना इट्स 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 क्रिएटिंग यू नो डिस्टर्बेंस तो यहाँ पे अगर देखो क्लियर स्काई में क्या होगा आइनोस्फियर आपका एकदम शांत है यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर द आइनोस्फेयर इज वेरी वेरी कॉम यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है देर इज नो इफेक्ट दिस इज द क्लियर नो रिसेप्शन कोई भी जो है ना ये मेरा आइनोस्फेयर डिस्टर्ब नहीं है लेकिन यहां पे क्या हो गया है यहां पर डिस्टर्ब हो गया है डिस्टर्ब क्यों हो गया बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ दिस हॉट एंड द कोल्ड एयर गैसेस और जो है ना रैपिड फ्लक्चुएशन की वजह से यहां पे क्या हो गया इट्स अ चेंज चेंज होने की वजह से क्या होगा यहां से अगर मैं सिग्नल को प्रोपोगेट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे देखो यहां पे क्लियर रिसेप्शन मिल रहा है यहां पे क्या हो जाएगा इट्स अ गोइंग टू वेरी ये जो है ना चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका जो है ना आइनोस्फेरिक स्कैंटिलेशन जो है ना ऑकर हो रहा है आइनोस्फेरिक स्कैंटिलेशन कितने टाइप का होता है दो दो टाइप का होता है पहला क्या हो गया आपका जो है ना एम्पलीट्यूड आपका जो है ना एम्पलीट्यूड और दूसरा क्या हो गया आपका फेस एम्पलीट्यूड और फेस ये जो है ना एम्पलीट्यूड बोले तो आपका क्या हो गया पावर और फेस बोले तो आपका जो है ना फेस तो एम्पलीट्यूड और जो है ना फेस दो टाइप का जो है ना स्केंटिलेशन आपको जो है ना जनरली देखने के लिए मिलेगा आइनोस्फेयर में फर्स्ट so पार्ट और इसमें अगर देखोगे, तो आइनोस्फेरेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इन दर टिपिकल रेंज ऑफ टेनरेस टू पॉवर एटीन ड्यूरिंग द डे और टेनरेस टू पावर सिक्सटीन ड्यूरिंग द नाइट तो नाइट के टाइम पे स्केंटिलेशन इफेक्ट कम हो जाएगा डे के टाइम पे जो है ना मोर डॉमिनेंट होगा एट एनी लोकल सनसेट सनराइज देयर विल बी रैपिड चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द

ट्रोपोस्फेयर में जो है ना आपका जो है ना ये आपका क्या हो गया सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में भी जो है ना हॉट एंड जो है ना कोल्ड एयर आने की वजह से क्या होगा इट्स स्टार्टेड मेकिंग द बबलिंग टाइप ऑफ थिंग इसकी वजह से क्या होगा अगर यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है दैट सिग्नल इज गोइंग टू डिस्टर्ब तो इसके डिस्टर्ब होने की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक स्कैंटिलेशन ट्रोपोस्फेयर में स्कैंटिलेशन किसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एयर सोल और बहुत सारे यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसी लिए ठीक है तो दिस दिस इज दिस इज दिस इज ड्यू टू द वेदर कंडीशन हीटिंग एंड कूलिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फेयर चेंज इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेरा चेंज हो जा रहा है क्यों चेंज हो जा रहा है हीटिंग एंड कोल्ड की वजह से हीटिंग और कोल्ड की वजह से जो है ना एटमोस्फेयर इंडेक्स क्यों चेंज हो जाएगा क्योंकि जो है ना किसी भी किसी भी जो है ना मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इसके अंदर के जो है ना डेंसिटी के ऊपर अगर जो है ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखें तो ग्लास के अंदर में जो है ना पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है वो हाई है गैसेस में देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो गैस की डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी गैस की डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है हम लोगों ने डिस्कस किया था ये डिपेंड करती है नेचुरल डेंसिटी पे ऊपर ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईटा लेट मी राइट इट हियर जो आपका ईटा है इट्स डिपेंड आपका जो है ना डेंसिटी के ऊपर और डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर के ऊपर पे तो यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर विल गिव यू द इफेक्ट टेम्परेचर विल गिव यू द इफेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना बात किया था दिस टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर इट विल चेंज द नेचुरल डेंसिटी डेंसिटी को अगर चेंज हो जाएगा डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो जाएगा तो रिफेक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो गया तो आपका क्या हो जाएगा की जो है ना जो वेव प्रपगेट हो रहा है वेव प्रोपगेशन की जो है ना स्पीड चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा की जो है ना सिग्नल विल डिस्टॉट द चेंजेस इन द रिफेक्शन इंडेक्स चेंज इस द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल सिग्नल ऑफ द प्रोपगेशन तो यहाँ पे जो है ना जो आपकी वेलोसिटी होती है जो सिग्नल की वेलोसिटी होती है वो क्या होगी यहाँ पे जो है ना इट्स इट विल डिक्रीज ये डिक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अराइवल इज मॉड्यटेड बाई द एंटीना पैटर्न और फिर जो है ना इस एंटिलेशन इज मोर फिन एट द हाइर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी पे जो है ना ये ज्यादा इफेक्ट करता है और लो एलोवेशन एंगल पे जो है ना इस एंटिलेशन इफेक्ट जो है ना पाथ लॉस बिहेवियर सिमिलर ट्विथ ट्रियल मल्टीप्लीकेशन फेडिंग मल्टीपाथ फेडिंग जैसे हम लोग टेस्टियल मल्टीप्ला पाथ फेडिंग के बारे में बात करें तो उस तरीके से जो है ना यहाँ पे क्या होगा अगर आपका जो है ना लो एलोवेशन एंगल है अगर ये बहुत ही नीचे साइड पे है तो जो है ना ये आपका जो है ना मल्टीपाथ फीडिंग जैसे होता था उस तरीके से होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेरे को मल्टीपल सिग्नल्स रिसीव होंगे और उनके बीच में क्या होगा कि डिस्टोसन आ जाएगा ओके सो दिस इज द ट्रोपोस्फेरिक स्केंटिलेशन दिस स्केंटिलेशन इज ऑल्सो ड्यू टू द वेदर चेंज हीटिंग और कूलिंग की वजह से जो है ना क्या होगा आपका जो है ना ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा है ना Uh, अगर हम लोग इसकी मॉडलिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं बट बट वन थिंग आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट हियर कि जो स्कैंटिलेशन लॉस डिपेंडेंस ऑन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे क्लाइमेट के ऊपर पे सैटेलाइट के एलोवेशन के ऊपर पे और एंटीना बीम के ऊपर पे जो है ना ये चार चीजों के ऊपर पे जो है ना मेरा जो है प्रोपोस्फेरिक स्कैंटिलेशन डिपेंड करता है ये जो है ना डेरिवेशन ये सब चीजों के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसको जो है ना हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है ओके okay? सो लेट मी गो टू द फराडे रोटेशन फराडे रोटेशन के बारे में भी अगर बात करें तो इट्स अ लाइक द पोलराइजेशन लॉस पोलराइजेशन लॉस जो होता है उसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं फराडे रोटेशन बोलते हैं आप जो है ना यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोगों ने जो है ना जो बात की थी आपका कौन सा हो गया आइनोस्फेयर इफेक्ट में जो है ना ये जो फराडे रोटेशन आया फराडे रोटेशन की वजह से क्या होगा आपका जो है ना ई प्लेन एच प्लेन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे इट विल रोटेट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ आइनोस्फेयर से ये होकर गुजर रहा है जैसे ही आपका सिग्नल यहाँ पे से होकर गुजर रहा है तो ये क्या होगा कि जो है ना इसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो रोटेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फराडे रोटेशन बोलते हैं तो ये आपका जो है ना पोलराइजेशन लॉस हो गया डिपोलराइजेशन लॉसेस के बारे में अगर देखें तो जो है ना हम लोगों को यहाँ पे क्या है नेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा सो लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट टिल्ड एंगल आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना एटेन्यूशन के बारे में बात करते हैं लेट मी टॉक हियर द अबाउट देश तो अगर आप देखोगे तो एटेन्यूशन जो है ना बेसिकली क्या होता है आपका जो है ना ड्रॉपलेट्स की वजह से या फिर जो है हाइड्रोमीटर्स की वजह से होता है सो लेट मी कम हियर ओनली इन दिस पर्टिकुलर एंगल यहीं पर जो है ना हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ओके okay, तो uh, हमारा जो है ना अगर हम लोग यहाँ पे जब भी बात करें तो जो हमारा हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोमीटर्स होते हैं जैसे मेरा आइस हो गया रेन हो गया इन सब की वजह से क्या होगा कि मेरा जो है ना डीपोलराइजेशन होगा तो लेट मी गो फॉर अ वेरी स्मॉल यू नो द रिप्रेजेंटेशन तो लेट मी गो टू अ डिफरेंट पेज लेट मी लेट मी गो टू द डिफरेंट पेजेस ओके लेट मी गो हियर ओके

कि जो आपका रेन ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो रेन का जो साइज है अगर हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है हम लोग एक आइडियल कंडीशन पे ले रहे हैं कि ये जो है ना आपका इस तरीके का सेफ होगा इस फेरिकल टाइप का सेफ होगा ये जो है ना इसका सेंटर हो गया ये एलिप्साइट की तरह जो है ना आपका सेफ होगा ये जो एक्सिस है ये एक्सिस में जो है ना अगर आप देखोगे तो दिस इज वन एक्सिस ये जो है ना आपका माइनर एक्सिस है आप ये माइनर एक्सिस हो गया ये मेजर एक्सिस हो गया ये पूरा एक एक वाटर का ड्रॉपलेट है एक वाटर का ड्रॉपलेट है या एक हाइड्रोमीटर है तो यहाँ पे आप देखो इस सेंटर से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपका ज्यादा है है कि नहीं ये ये डिस्टेंस ज्यादा है ये वाला डिस्टेंस मेरा कम है अगर कोई भी मेरा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर यहां से पास होगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यहाँ से पास हो रहा है ये आपका जो है ना अगर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है तो अगर मैं इसका ई e फील्ड को देखूं ई e फील्ड को अगर मैं ई e फील्ड के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये क्या हो जाएगा आपका जो है ना इी e हो जाएगा दिस इज व्हाट और ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ना ईवी e हो जाएगा ये आपका वर्टिकली पोलराइज है ये आपका हॉरीजोंटली पोलराइज है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हॉरिजेंटल वाला है ये दोनों एक साथ इंसर्ट किया जो मेरा वेव है मेरा जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ से इंटर किया एक साथ इंटर किया लेकिन आपका जो है ना एक्स डायरेक्शन में उसको ज्यादा जाना पड़ रहा है वाई डायरेक्शन में कम जाना पड़ रहा है तो यहाँ पे आप इफेक्टिवली देखोगे तो जो है ना क्या हो जाएगा आपको जो सिग्नल मिलेगा आपको जो सिग्नल मिलेगा यहाँ पे जो है ना डिफरेंट पोलराइजेशन मिलेंगे ओके okay. तो यहाँ पे मिल मिल रहा है. क्यों मिल रहा है है क्यों क्योंकि ये जो है ना एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले रहा है एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में क्या हो रहा है कि ये जो है ना मेरे सिग्नल को एक साइड पे इसको जो है ना ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ रहा है दूसरे साइड पे जो है ना इसको कम दूर तक ट्रेवल करना पड़ रहा है ये जैसे ही यहाँ पे निकलेगा जो है ना ये डिपोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका दो इफेक्ट होगा पहला कौन सा होगा आपका जो है ना एटेन्यूशन होगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा डिपोलराइजेशन यहाँ पे जो है ना डिपोलराइजेशन so, तो ये दोनों इफेक्ट जो है ना आपको यहाँ पे दे, देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो अगर हम लोग सिंपली सिंपली अगर हम लोग जो है ना रेन रेट के बारे में बात करें तो लेट मी गो फॉर द रेन रेट अगर हम लोग जो है ना रेन रेट बोले हम लोग इसको जो है ना डिराइव नहीं कर रहे हैं अगर रन रेट के बारे में देखें तो एक पर्टिकुलर मॉडल से हम लोग डायरेक्टली लिए हैं यू 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 डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस बट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग कि आर की जो वैल्यू होती है इट्स लाइक अ जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री आपका यहां पे जो है ना इट्स बिकम पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टू दावर थ्री और वी ऑफ डी और आपका जो है ना ये एन डी और ये डी डी ठीक है ये जो है ना मिलीमीटर पर आवर के जो है ना टर्म्स में हम लोग इसको क्या करते हैं मेजर करते हैं यहां पे जो डी है वो क्या है आपका जो है ना एवरेज रेन ड्रॉप ये आपका क्या है एवरेज रेन ड्रॉप डायामीटर है ठीक है यहां पे जो है ना कैपिटल एनडी अगर देखोगे तो कैपिटल एनडी क्या है ये जो है ना ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रॉप का जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो वी डी है वीडी क्या है आपका जो है ना

डायमीटर पता है मेरे को वेलोसिटी पता है और मेरे को ड्रॉप ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो मैं रेन रेट को जो है ना फॉलो कर सकता हूँ जनरली जो रेन रेट होता है वो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं आर जीरो जीरो वन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे अगर मैं जो है ना आर जीरो पॉइंट जीरो वन के बारे में बात करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आर जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट या रेन रेट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट अगर जो है ना अगर मेरा सिक्सटी जो है ना मिलीमीटर पर आवर है मिलीमीटर पर आवर है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है आपका वन ईयर में वन ईयर में जो है ना आपका जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट टाइम तक जो एवरेज ईयर टाइम है एवरेज ईयर टाइम में जो है ना कितना जो है ना ये एक्सीड हुआ सिक्सटी मिलीमीटर mm से एक्सीड कब हुआ इतने टाइम पे हुआ तो ये क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो परसेंट टाइम ऑफ एवरेज टाइम ऑफ एवरेज ईयर रेन रेट एक्सीड ये आपका क्या हो गया इट्स अ एक्सीड सिक्सटी मिलीमीटर पर आवर तो जो है ना इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे 365 डेज में अगर हम लोग बोले तो 365 डेज में आपका जो है ना 0.01 परसेंट टाइम के लिए ये कितने बार जो है ना 60 मिलीमीटर mm से ये जो 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 है 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 एक आपका एडिशन हो जाता है, जैसे अभी जो है कुछ टाइम के लिए जो है ना थर्टी मिनट के लिए रेन हुआ कुछ टाइम के के लिए 30 के लिए मिनट्स रेन हुआ इसके पे तो उसका जो है जो है ना जो सम होता है ये हमारा क्या होता है ये हमारा रेन रेट होता है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना डिटेल में नहीं जाने का इसको जो है ना समझने के लिए जो है ना एक चीज और जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा अर्थ सर्फेस हो गया इस अर्थ सर्फेस से अगर मैं बात करूं कि जो है ना अगर मैं ये पूरा जो है ना अगर मेरे सिग्नल की बात कर रहा हूँ ये मेरा जो सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है तो आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं क्या करता हूँ एल इफेक्टिव बोल रहा हूं ये क्या हो गया आपका जो है ना एल इफेक्टिव हो गया या एल ई एल ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरा क्या हो गया इफेक्टिव लेंथ हो गया यहां से यहां तक का तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका जो है ना ग्राउंड पॉइंट है या ग्राउंड लेयर है

तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ना लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर पार्ट तो यहाँ पे हम लोग देखे तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा दिस इज द ग्राउंड लेवल और ये मेरा क्या है मेल्टिंग लेवल है मेल्टिंग लेवल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर जो है ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसके ऊपर पे क्या हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो इसके ऊपर पे जो आपका हाइड्रो हाइड्रोमीटर्स uh, है जो आपका रेन ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा यहां से ऊपर में जो है ना आइस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ये यह जीरो यहाँ पे क्या हो रहा है ये मेल्ट हो जा रहा है दिस इज द मेल्टिंग लेयर मेल्टिंग लेयर ऑफ वट हाइड्रोलेट्स का जो है ना जितने भी हाइड्रोमीटर्स है वो यहाँ पे मेल्ट हो जा रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन देखा ये मेरा अर्थ स्टेशन है इस अर्थ स्टेशन से अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा जो है ना इसमें से जा रहा है देयर अर्थ समियो कि उसमें क्या होगा कि आधे आधे ड्यूरेशन पे जो है ना ये रैन को पकड़े बाकी जगह पे क्या हो जाएगा ये जो है ना रेन के साथ में जो है ना कवर नहीं हो पा रहा है तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है पूरा का पूरा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट part अगर आप देखो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है मेरा जो है ना रैन से इफेक्टेड है तो ये पर्टिकुलर पार्ट part क्या हो गया मेरा एल इफेक्टिव हो गया तो एल इफेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है ना इफ यू आर एबल टू सी तो ये जो एल इफेक्टिव है यहाँ पे एल इफेक्टिव ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है और ये वाले एंगल की बात करूं तो ये जो एंगल है मेरा थीटा इन दोनों के ऊपर पे डिपेंड करता है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका जो रेन एटीन्यूशन होता है आपका जो रेन एटीन्यूशन है रेन एटेन्यूशन अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो रेन एटेन्यूशन का तो ये क्या हो जाएगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए जीरो पॉइंट जीरो वन दैट इज इक्वल टू गामा जीरो पॉइंट जीरो एलई इफेक्टिव लेंथ इन टू गामा जीरो पॉइंट जीरो वन तो ये आपका गामा जीरो पॉइंट जीरो वन इज नोन एज इज नोन एज स्पेसिफिक एटेन्यूशन स्पेसिफिक एटेन्यूशन ठीक है इन आपका जो है ना डीबी पर किलोमीटर में होता है ठीक है मोस्टली जो है ना यूनिट जो है डीबी पर किलोमीटर में होता है सो इट्स जीरो पॉइंट जीरो ऑफ रेन रेट के लिए है रेन रेट के लिए है आपका जो है ना दैट इज द स्पेसिफिक एटेन्युएशन तो ये वाला जो है ना पॉइंट यू मस्ट है कि ये जो है ये पॉइंट क्या हो गया आपका जो है ना रेन एटेन्युएशन हो गया रेन किसके ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक के ऊपर पे डिपेंड करता है और ये जो स्पेसिफिक है है ये स्पेसिफिक जो है ना और दो फैक्टर के ऊपर पे डिपेंड करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं uh, आपका जो है ना लेट मी गो बैक हियर इन टू द बुक अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल थीटा और ये जो लेंथ है ये दोनों के ऊपर क्या करता है लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लेट मी गो बैक ओके तो यहां पे आप अगर देखोगे वेयर इट इज सो हियर इट इज गिवन ये जो मेरा रैन रेन रेट है मैंने जो है ना जो इक्वेशन आपका लिखा था यू आर एबल टू सी हियर व इक्वेशन आई हैुलर इक्वेशन ये जो मेरा रैन रेट है वो रैन रेट इस तरीके से है एंड जो है ना डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हो तो हमको ये जो है ना रेन ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना रेन रेट आप जो है ना यहाँ से देख सकते हो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका क्या हो गया रैन रेट हो गया और अगर यहीं से जो है ना मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं

आपका क्या हो गया आपका यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है दैट इज नथिंग बट द ए इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना इस चीज को देखा ये क्या था आपका गामा यहां पे जो है ना आर आर लिख दिए हैं क्या हो गया? हो गया गया आपका रेन रेट इंटू एल इफेक्टिव ओके ये एल इफेक्टिव आपका जो है ना ये आपका एटेन्युशन हो गया तो अगर यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ये आपका जो है ना यहाँ पे ए आर हो गया तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे

और फिर उसके बाद जो है ना क्या होगा आपका रेन रेट जीरो पॉइंट जीरो वन टू दावर अल्फा तो यहाँ पे जो है दो पैरामीटर यहाँ पे आ गए के और अल्फा ये दोनों अगर आपको पता है तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर पे डिपेंडेंट होते हैं तो ये दोनों पैरामीटर अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो स्पेसिफिक कांस्टेंट को निकाल सकते हो स्पेसिफिक कांस्टेंट निकाल सकते हो तो आप एटेन्यूशन से निकाल सकते हो और अगर आप एटेन्यूशन से निकाल सकते हो तो आप जो है ना रेन रेट भी निकाल सकते हो जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ऊपर पे देखा ओके तो अगर 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 लेट मी लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेटमी मी गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड जूम इट अटिल बिट तो यहां पे जो है ना यू कैन सी हियर ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना दिस इज दिस इज द इक्वेशन गामा आर इज नथिंग बट वॉट गामा आर इज नथिंग बट द के आर ना ये दोनों डिपेंड किसके ऊपर करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो अगर आप देखोगे तो के आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अल्फा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सारी वैल्यू जो है ना आपको दी हुई है अगर ये वैल्यू आपको पता होगी अगर जो है ना ये वैल्यू आपकी पता होगी तो आप गामा आर की वैल्यू निकाल सकते हो गामा आर की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आपको जो है ना एटेन्यूशन निकल जाएगा ठीक है तो यहां से अगर देखोगे तो ये सफिक्स है? है, मतलब है ना हम लोगों ने वही बात की कि जो है अगर मेरा सिक्सटी मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से अगर रेन हो रहा है तो एवरेज ईयर में एवरेज ईयर में मतलब मेरा थ्री सिक्सटी फाइव डेज में मेरा जो एवरेज रेनफॉल रेट है वो जो है जीरो पॉइंट जीरो वन जो है ना अगर परसेंटेज देखें तो वो कितने बार 50 मिलीमीटर mm से एक्सीड हुआ उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो वैल्यू है वो 0.01 है सो यू यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से जो है ना आपको ये वैल्यू अगर मिल जाएगी तो आप इस वैल्यू को यूज करके आप इस वैल्यू को यूज करके क्या कर सकते हैं कोई भी जो है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं लेट मी गो टू दिस सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल को जो है ना हम लोग देखते हैं तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है वट इट इज सेज दैट

तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो के वी के वी मतलब क्या हो गया के जो पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे थे उसका वर्टिकल पोलराइजेशन में के का वैल्यू कितना है यहां पे दिया हुआ है वी का वैल्यू आपको दिया हुआ है अगर ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई है रेनफॉल रेट यहाँ पे 10 गीगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है. आपका रेनफॉल रेट यहाँ पे 40 मिलीमीटर पर आवर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे ये के की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दोगे अल्फा की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दोगे रेनफॉल रेट को यहाँ पे रख दोगे आपको जो है ना गामा की वैल्यू मिल जाएगी गामा की वैल्यू क्या है स्पेसिफिक एटेन्यूशन है स्पेसिफिक एटेन्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आपको जो है ना एल इफेक्टिव की वैल्यू पता है एल इफेक्टिव की वैल्यू पता है तो आप जो है ना एटमोस्फेयरिक एटेन्यूशन भी निकाल सकते हो लेट मी गो टू अनदर काइंड ऑफ का एग्जाम्पल लेट मी गो टू द अनदर काइंड ऑफ एन एक्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर मैं जो है ना ये पर्टिकुलर एंगल इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो इस एंगल को अगर मैं ये थीटा की वैल्यू को अगर मैं 35 डिग्री रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 35 डिग्री रखा लेट मी कंसिडर दिस हाइट इज द थ्री किलोमीटर अगर थ्री किलोमीटर जो मेरा मेल्टिंग लेवल है जनरली फाइव किलोमीटर तक होता है फाइव किलोमीटर और इट इट डिपेंड अपॉन द सीजन रेनी सीजन में ये जो है ना नीचे आ जाएगा और समर के सीजन में ये ऊपर चला जाएगा फाइव किलोमीटर सिक्स किलोमीटर तक आता है थ्री किलोमीटर टू फाइव किलोमीटर तो अगर मैं ये जो पर्टिकुलर हाइट है अगर इसको थ्री किलोमीटर देखू तो ये मेरा एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा दट एल इफेक्टिव इज नथिंग बट द एल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा ये थ्री किलोमीटर हो जाएगा थ्री किलोमीटर आपका ये साइन थीटा इजिकल टू क्या हो गया एच डिवाइडेड बाई एल ई थीटा इज नथिंग की वैल्यू अगर थर्टी फाइव डिग्री रखू तो ये मेरा जो है ना साइन थर्टी फाइव डिग्री आ गया तो so, यहां से अगर मैं जो है ना वैल्यू निकालूंगा तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा वैल्यू मेरे को मिल जाएगा यहां से अगर मेरे को वैल्यू देखूंगा तो एल इफेक्टिव का वैल्यू मेरे को मिल गया अगर मेरे को जो है आर गामा जीरो पॉइंट जीरो वन की वैल्यू पता है जीरो पॉइंट जीरो पता है सपोज इसकी वैल्यू अगर जो है ना टू किलोमीटर है अगर ये टू किलोमीटर है मान लो या जो है ना टू किलोमीटर नहीं नॉट किलोमीटर इट्स ए टू डीबी पर किलोमीटर टू डीबी पर किलोमीटर है अगर ये वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ ए जीरो पॉइंट जीरो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू आपका जो है ना एल इफेक्टिव तो एल इफेक्टिव और गामा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टू इंटू एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री डिवाइडेड इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो है ना मेरे को क्या मिल जाएगा एटमोस्फेयरिक एटेन्यूशन मिल जाएगा किस में मिल जाएगा डीबी में मिल जाएगा ये जो है क्या है आपका डीबी किलोमीटर है ये आपका किलोमीटर है किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया डीबी में आपको जो है ना वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो किसको आ, रेन एटमोसफेयर को एटेन्यूशन को जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हो ओके सो ये जो है ना पर्टिकुलर पार्ट जो है ना आपका क्या हो गया ये आपका जो है ना uh, ये पर्टिकुलर पार्ट part जो है ना हमारा क्या था कि जो है हमारा रेन रेट डिस्ट्रीब्यूशंस का था लेट मी गो टू द बुक बुक को एक बार जाते हैं और जो है ना एक बार थोड़ा सा जो है ना बुक में स्टार्टिंग से देखते हैं कि व्हाट व्हाट आर द थिंग्स आर देयर ठीक है तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग गए तो ये क्या हो गया हमारा जो है ना प्रोपगेशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोपगेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में जो प्रपगेशन इफेक्ट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना बिकॉज ऑफ दिस एटेन्यूशन पोलराइजेशन इनकी वजह से जो लॉसेस होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा सो दट आज देट आर द लॉसेज विच वी आर कंसिडर इन द प्रोपगेशन लॉस की तरह जो है ना हम लोग जिसको कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में देखा था उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो पार्ट है जो रेन है ये मेरा जो है ना जो अर्थ स्टेशन से अगर मैं सन के बीच में बात करूं तो जब भी मेरा जो रेन होगा ये रेन जो जो मेरा सिग्नल होगा वो सिग्नल जब प्रोपोगेट हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका जो है ना ये क्लियर स्काई है यहाँ पे कोई भी जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं है यहां पे जो है आपका क्लाउड है यहाँ पे पे एयर सोल्स है है बहुत सारे जो ना पार्टिकल्स है तो ये ट्रोपोस्फेयर की वजह से ये पहला वाला जो पार्ट है ये ट्रोपोस्फेयर की वजह से मेरे सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ रहा है फिर उसके बाद आइनोस्फेयर की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आएगा और उसके बाद ये मेरा सैटेलाइट तक पहुंचेगा तो मेन चीज क्या है हमारे पास दो प्रॉब्लम आ रहे हैं एक जो है ना ट्रोपोस्फेयर इफेक्ट आ रहा है दूसरा आइनोस इफेक्ट आ रहा है तो ये जो है ना दो टाइप के इफेक्ट है ट्रोपोस्फेरिक में आपका क्या आ जाएगा? ट्रोपोस्फेरिक आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रोपोस्फेयर की वजह से आ जाएगा दिस आर ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट ठीक है ये आपके क्या कर रहे हैं बिट रेट में जो है ना चेंज कर रहे हैं लेटमी टॉक हियर अगेन अगेन अगर हम लोग कोई भी सिग्नल को देखें एकदम जो जनरल कंसिडरेशन होता है वहां पे क्या होगा कि जो मेरा बिट रेट है मेरा जो बिट इर रेट है यहाँ पे जो है ना अगर मैं बिट इर रेट की बात करूट बिट इर रेट इज प्रपोर्शनल टू वॉट इट्स ठीक है ये आपका जो इरर फंक्शन होता है ई आई आर एफ ई और किसके ऊपर होता है ये जो है ना आपका सिग्नल आपका जो है ना एनर्जी सिग्नल आपका यहाँ पे जो है ना दैट इज द एनर्जी सिग्नल डिवाइडेड बाई दो आपका जो नॉइस होगा इसके ऊपर पे डिपेंड करता है एनर्जी पर बिट पर बिट पे हम लोग जो सेंड कर रहे हैं और नॉइस इसके ऊपर पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे अगर आप अगर सी बाई एन को देखोगे तो सी बाई एन क्या हो जाएगा आपका जो है ना ई एस डिवाइडेड बाई एन जीरो मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है ना आर एस इंटू जो है ना आपका वन डिवाइडेड बाई द बैंड हो जाएगा तो ये आर एस ई एस क्या हो गया दैट इज योर योर बिट रेट तो जो है बिट रेट जो है ना किसके ऊपर के ऊपर पे इफ़ेक्ट कर रहा है सो so, इसकी वजह से जो है ना की वजह से जो है ना इन टू दिक्चर दिस पर्टिकुलर पार्ट तो ये बिट इ रेट में क्या कर रहा है प्रॉब्लम डाल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा मेरा करियर टू नॉइस रेशियो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा करियर टू नॉइस रेशियो चेंज हो जाएगा ओके okay? तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें आगे तो अगर हम लोग जो है ना अगर uh, सिंपल सिचुएशन आइडियल सिचुएशंस देखें तो आइडियल सिचुएशंस में ये क्या हो गया ये मेरा जो है ना रेन का लेंथ हो गया ये मेरा मेल्टिंग लेवल लेवल हो गया मेल्टिंग क्या होता है ये मेरा जो है जो, जो है जीरो डिग्री डिग्री है को मैं मेल्टिंग लेवल बोलता हूँ उसके नीचे क्या हो जाएगा कि जो है मेरा ऊपर में आइस ड्रॉपलेट की तरह रहेगा नीचे में क्या हो जाएगा ये जो है ना रेन ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर है फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस जनरली होता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं जा रहे की आधार पार्ट जो है ना रेन से इफेक्टेड है आधा पार्ट नहीं है अगर पूरा पार्ट इफेक्टेड है तो हम लोगों ने देखा कि रेनाटिन कैसे होता है है ना तो यहाँ पे जो है और हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा वर्टिकल पोलराइज और हॉरिजॉन्टल को बताया है इसको देख के जो है ना आप क्या कर सकते हो आप जब एब्जॉर्प्शन को देखोगे हाइड्रोमीटर्स को अगर देख रहे हैं तो हाइड्रोमीटर्स की वजह से जो है ना ये जो डिफरेंट एबजॉर्प्शन है उस एबजॉप्शन का ये ग्राफ दिया हुआ है Uh, आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा सो द फर्स्ट पॉइंट इज द क्लाउड एटीन्यूशन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है पहला पॉइंट क्या है द क्लाउड एटीन्यूशन क्लाउड एटीन्यूशन क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाउड क्लाउड की वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो भी सिग्नल प्रोपोगेट होके जाएगा वहां पे जो है ना सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी क्यों कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर्स हैं जो आइस पार्टिकल्स हैं या जो आपका क्लाउड में जो है ना जो रेनड्रॉप्स है वो क्या कर रहा है आपके जो है सिग्नल के स्ट्रेंथ को एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले रहा है दूसरा यहाँ पे जो है ना ट्रोपोस्फेरिक स्केंटिलेशन को देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैंटिलेशन में क्या हो रहा है इट्स अ बबल टाइप ऑफ थिंग हो रहा है मिक्सिंग ऑफ जो है ना आपका जो है ये कन्विक्टेड Uh, जो कंडीशन है उसमें जो है ना जो, जो आपका मिक्सिंग हो रहा है हॉट एंड कोल्ड एयर का तो उसकी वजह से इस तरीके का जो है ना आपका इफेक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केंटिलेशन इफेक्ट बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दिस इज द काम कंडीशन यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोगेट कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे अगर प्रोपोगेट कराएंगे तो जो है ना वी विल गॉट लॉर्ड्स ऑफ द डिफ यू नो द विल uh, uh, थोड़ा सा जो है ना मिलेगा तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रोपोस्फेर की स्कैंटिलेशन की वजह से भी क्या होगा कि जो है ना मेरे को क्या मिलेगा मेरा सिग्नल जो है ना डिस्टोर्टेड मिलेगा ओके okay. uh, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहीं पे जो है ना आपका फराडे रोटेशंस है फराडे रोटेशन में क्या होगा आपका जो है ना जो पोलराइजेशन है, है? है उसको हम लोग फराडे रोटेशन होता है मोस्टली ये डे के टाइम पे होता है और जो है ना अगर आइनोस्फेयर का इफेक्ट देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो जाती है क्यों इंक्रीज हो जा रही है क्योंकि जो है यहाँ पे एक जो फेस एडवांस का जो है ना ऑकर होता है फेस एडवांस होने की वजह से क्या हो जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी आइनोस्फेरिक uh, स्कैंटिलेशन को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया था ये हमारे दो भाग में डिवाइड हो गए थे कौन कौन से आपका एम्पलीट्यूड और जो है ना फेस स्कैंटिलेशन में उसके बाद रेन और आइस के इफेक्ट को अगर हम लोग देखें तो रेन और आइस का इफेक्ट के लिए जो है ना हम लोगों ने सिंपली कंसिडर किया था रेन ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था तो रेनड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो रेन रेट जो है ये बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं हम कोई मॉडल को यूज नहीं कर रहे इस तरीके के बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं हम लोग डायरेक्टली जो है ना यहाँ से सिर्फ एक, एक छोटा सा फॉर्मूला देख रहे हैं कि ये जो रेन रेट होता है ये रेन रेट को जो है ना क्या करते हैं जो भी आपका ड्रॉप साइज होगा उसका जो है ना डायामीटर और जो है जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और जो है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पे हम लोग क्या करते हैं उसको मेजर uh, करने की कोशिश करते हैं और दिस इज द मेजरेबल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है तो इसको मेजर करके जो है ना आप देख सकते हो तो यहां से हम लोग क्या करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ द रेन एटेन निकालते हैं तो रेन एटेन क्या होता है आपका स्पेसिफिक एटेन्यूशन इन टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इफेक्टिव पाथ लेंथ इज नोन एज द रेन रेन एटेन रेन या पाथ एटेन क्या होता है पाथ इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एटेनशन इनटू द इफेक्टिव पाथ लेंथ पाथ लेंथ के जो है ना मल्टीप्लीकेशन को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं uh, आपका जो है ना पाथ एटेन्यूशन या रेन एटेन्यूशन बोलते हैं ये गामा आर इंटू एल इफेक्टिव हो गया गामा आर की वैल्यू को हम लोगों ने देखा किसके ऊपर डिपेंड करती है गामा आर जो है ना आपका के और अल्फा दो पार्टिकल्स के ऊपर पे जो है ना दो जो पैरामीटर्स के ऊपर पे डिपेंड करते हैं विच आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स तो ये जो पैरामीटर्स है ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो के और अल्फा की वैल्यू आपको दी गई होगी के और अल्फा की वैल्यू को यूज करके आप गामा आर की वैल्यू निकाल सकते हो गामा आर की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो आप जो है ना क्या कर सकते हो गामा आर की वैल्यू से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको जो है ना एल की वैल्यू पता होगी तो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेन गीगा हट के लिए यहाँ पे जो है ना आपका ये आ, आपका जो है ना दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर गीगा हट के लिए के एच के वी का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा एच अल्फा वी का वैल्यू दिया हुआ है इस तरीके से हर एक जो है ना फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये सारे गीगा हट्स के लिए दिया हुआ है तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे जैसे टेन गीगा हट्स के लिए दिया हुआ है तो टेन गीगा हट्स के लिए केवी की वैल्यू क्या है ये देखो टेन गीघा हट्स टेन गीघा हट्स के लिए केवी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन केवी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन ये वैल्यू आपको पता चल गई अल्फा वी की वैल्यू वन पॉइंट टू अल्फा वी की वैल्यू जो है ना 1.264 ये दोनों वैल्यू जो है ना आप ये टेबल से निकाल सकते हो या फिर ये वैल्यू आपको दी होगी अगर अगर मैथमेटिक्स या जो है ना न्यूमेरिकल आते हैं तो ये वैल्यू आपको दी हुई होगी ठीक है तो हम लोगों ने जो है ना ये देखा इसके बाद यहाँ पे जो है ना क्या है देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रेन एटीन्यूशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है ये दो पैरामीटर्स के ऊपर पे डिपेंड करता है आपका एक जो है एलोवेशन एंगल ये ईएल एलोवेशन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा जो है ना ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है या जो है ना ये लेंथ के ऊपर पे डिपेंड करता है ये हाइट और लेंथ को अगर हम लोग देखें तो ये एलिवेशन से आप निकाल सकते हो तो ये लेंथ आपको निकल जाएगी तो आपका जो है ना जो रेन है रेन डिस्ट्रीब्यूशन या जो है ना ये Uh, attenuations, attenuations, जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है एक तो जो है ना आपका एल के ऊपर इफेक्टिव एल के ऊपर और दूसरा क्या है एलोवेशन एंगल थीटा के ऊपर जो है ना इन दोनों वैल्यू के ऊपर पे डिपेंड करता है ओके okay? सो so, uh, इन दोनों के बाद जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और क्या है कि जो है ना देर आर सम लॉज दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट तो हम लोग जो है ना ये लॉज को नहीं देखेंगे उतना ज्यादा जो है ना नहीं है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो कि जो है ना जैसे कोसेंट लॉ क्या होता है कि जो आपका एटेन्यूशन है अगर एलोवेशन एंगल वन और एलोवेशन एंगल टू पे देखोगे तो इसका जो रेशियो होता है वो जो है ना कॉसेंट एंगल के जो है ना रेशियो uh, के बराबर होता है तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर यहाँ पे जो है ना स्क्वायर्ड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग लॉ देखोगे तो आपका जो एटेड होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के जो है ना प्रपोशनल्स है तो यहाँ पे इनका जो रेशियो होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है तो uh, ये जो है हमारा जो कॉमन uh, हमारा uh, uh, कुछ लॉ है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं इसको uh, और और अगर इसमें आगे और देखें तो इसके बाद जो है ना हमारे पास और आ, कौन सा चीज आ गया हमारे पास जो है ना एक होता है सेंटिंग एंगल और टिल्ट एंगल सेंटिंग एंगल क्या होता है कि मेरा जो रेन ड्रॉप है रेन के साथ में अगर जो है एयर भी चल रहा है बहुत तेज हवा भी चल रही है तो हवा की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो ड्रॉप है इसमें दो फोर्सेस लगेंगे इस पे जो है ना दो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे एक बिकॉज ऑफ द एयर की वजह से फोर्स लगेगा और एक जो है ना ये रैनड्रॉप की वजह से फोर्स लगेगा तो इन दोनों को फोर्स की वजह से जो है ना इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये जिस एंगल में आपका जो है ना मुड़ जाएगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं सेंटिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका जो है से इसका जो होगा, तो हमारे पास क्या है टिल्ट एंगल भी है तो टिल्ट एंगल क्या होता है इट्स अ एंगल बिटवीन द लोकल हॉरिजॉन्टल वर्कल और वर्टिकल टू द एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होगा और आपका जो है ना ये जो uh, लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो जो है ना एंगल होगा उसके बीच के एंगल को हम लोग टिल्ट एंगल बोलते हैं ओके okay, इसके बाद आ, इसके बाद अगर और देखें यहाँ पे तो जो है ना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नाउ द मेटिगेशन वाला पॉइंट है कि ये इफेक्ट को जो है ना हम लोग कैसे जो है ना इम्प्रूव uh, करते हैं तो इसको कैसे हम लोग जो है रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है ना तीन टेक्निक है पावर कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग और डाइवर्सिटी सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर यू नो द मेटेशन ऑफ दिस इफेक्ट इन इफेक्ट को जो है ना हटाने के लिए तीन चीजों को यूज करते हैं पहला क्या हो गया आपका पावर आप पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो है ना क्या कर सकते हो इन एटेन्यूशन को कम कर सकते हो दूसरा आपका क्या है सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल प्रोसेसिंग यूज करके जो है ना यू आर एबल टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर पार्ट और जो थर्ड है वो क्या है आपका डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी और डिपोलराइजेशन से भी होते हैं तो डाइवर्सिटी से क्या होता है डाइवर्सिटी से आप जो है ना आप इंप्रूव कर सकते हो कैसे इंप्रूव कर सकते हो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि जो है ना सेम सिग्नल का मल्टीपल कॉपीज को जो है ना अगर ट्रांसमिट करने को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने टाइम डाइवर्सिटी फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी बोला टाइम डाइवर्सिटी में क्या करते हैं हम लोग एक ही सिग्नल को डिफरेंट टाइम स्लॉट पे भेजते हैं फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी में एक ही जो है ना सिग्नल को हम लोग डिफरेंट फ्रिकवेंसी से भेजते हैं ताकि जो है रिसीवर को दोनों सिग्नल मिले अगर एक भी सिग्नल डीप फैट में चला जाता है और वो अगर खत्म हो जाता है तो दूसरे सिग्नल से क्या हो जाएगा रिकवर हो जाएगा तो यहां पे जो है ना हम लोग यूज करते हैं साइट डाइवर्सिटी साइट डाइवर्सिटी में क्या होता है आपका अगर हम लोग साइट डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो हमारा जो डिफरेंट साइट है यहाँ पे जो है ना ये मेरा जो है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट मी गो टू यू नो द्रीन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन अगर यहाँ पे जो है ना मैं अगर बात लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन यहाँ पे अगर मैं बात करू सो लेट मी गो टू द ब्लैंक स्लाइड ओके हियर सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइट डाइवर्सिटी क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है ना दिस इज योर अर्थ ये आपका अर्थ है यहाँ पे क्या है दिस इज द अर्थ स्टेशन वन ये आपका जो है ना अर्थ स्टेशन वन है यहीं पे क्या है आपका जो है ना दिस इज द अर्थ स्टेशन टू और यहाँ पे जो है ना आपका सैटेलाइट डला हुआ है ये आपका जो है ना सैटेलाइट है तो अगर इस सैटेलाइट के बीच में देखोगे तो यहाँ पे अगर क्लाउड है यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है तो इसकी वजह से ये जो सिग्नल होगा ये जब ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड की वजह से जो है ना एटेनियशन आएगा यहाँ पे

ठीक है साइट डाइवर्सिटी का मतलब जो है ना आप लोगों को समझ में आना चाहिए साइट डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि जो है ना आप एक ही सिग्नल को जो है ना दो अलग अलग जगह से भेज रहे हैं और क्या हो रहा है आपको जो है ना क्या मिल रहा है आपको जो है ना यहाँ पे सेम सिग्नल मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा आपका सिग्नल इंप्रूव हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइट डाइवर्सिटी ठीक है, है? ये आपका साइट डाइवर्सिटी ठीक है तो साइड डाइवर्सिटी की वजह से भी क्या होता है यू आर एबल टू रिमूव दैट एटेन्यूशन वाला पार्ट उसको क्या कर सकते हो आप मिटिगेट कर सकते हो आप इसको जो है ना ये जो प्रोपगेशन इंपेरिमेंट्स हैं उनको जो है ना आप क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो इसके बाद जो है ना डिपोलराइजेशन भी होता है लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर बुक चैप्टर तो यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया डाइवर्सिटी हो गया डाइवर्सिटी में साइड डाइवर्सिटी के बारे में बात की साइड डाइवर्सिटी में जो है ना यहाँ पे अगर देखोगे तो डिफरेंट स्टेशन से ये आपका क्या है आपका जो है ना एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से अगर आप भेज रहे हो तो आपका एक जगह पे एटेनेशन कम हो सकता है दूसरे जगह पे जो है ना एटेनेशन ज्यादा हो सकता है तो यहाँ से मेरे को क्या है? एक डाइवर्सिटी गेन मिल जाएगा और डाइवर्सिटी गेन की वजह से क्या होगा मेरा सिग्नल का जो प्रोपोगेशन होगा वो जो है ना रिसेप्शन अच्छे से हो पाएगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ रिमूव कर सकता हूँ उसके बाद डिपोलराइजेशन है डिपोलराइजेशन को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो अपने सिग्नल को इम्प्रूव कर सकते हो ओके okay? तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना आपका जो फोर्थ यूनिट था प्रोपोगेशन इफेक्ट का था आई होप जो है ना आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को जो है ना उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं पड़ी होगी इसके लिए फिर भी अगर को, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ठीक है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आई कैन डिस्कस यू नो Uh, in this particular uh, chapter, related with this ch particular chapter. So let me stop here. Thank you very much.